सब्सक्राइब कीजिए अकाउंटिंग टिप्स यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए अकाउंटिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग टिप्स यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक ट्रांसफर, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा ऊपर यहाँ पे सेटअप में, और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन शो होगा कंपनी सेटअप, वहाँ पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा मेन्यू नज़र आएगा, उसमें आपको यहाँ पे एडवांस सेटअप पर क्लिक करना होगा। एडवांस सेटअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा स्टॉक सेटअप, उसमें सेकंड ऑप्शन है लोकेशन वाइज स्टॉक रिक्वायर्ड, तो इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे नो है, तो आप एंटर करके यस कर दीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन में देखेंगे अभी आपको स्टॉक ट्रांसफर का ऑप्शन शो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप परचेस की एक एंट्री हम करते हैं, तो यहाँ पे आप परचेस अकाउंट जो भी है उसका नाम डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए और इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसका नाम सिलेक्ट कर लीजिए और उसकी क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन शो होगा, जो कि मैंने यहाँ से पहले से ओपन करके रखे हुए गोडाउन 1 और गोडाउन 2। उसके बाद आप यहाँ पे अगर ऐड करना चाहे तो आप ऐड बटन पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको लोकेशन का नाम डालना होगा, उसका एड्रेस, सिटी और पिन कोड नंबर आपको डालना होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गोडाउन 1 में परचेस कर रहा हूँ, तो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका रेट डाल देता हूँ और इस एंट्री को सेव कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक में देखेंगे, तो यहाँ पे स्टॉक मेथड सबसे पहले आपको चेंज करनी होगी, जो कि नन होगी, उसको फीफो कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक नज़र आएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप नीचे लोकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको गोडाउन 1 में जो कि 500 क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। और अगर आप उस स्टॉक को अपने कोई और गोडाउन में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे ट्रांजेक्शन में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रांसफ़र का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे आपको डेट डालनी होगी, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डाल दीजिए। फ्रॉम लोकेशन यानी कि जहाँ से आप स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस गोडाउन का नाम सिलेक्ट कर लीजिए और आप जहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो नाम सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट ऐड की है, आप जो भी प्रोडक्ट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसकी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रेट डाल दीजिए और उसको ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे और यहाँ पे फिर से हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले एक ही गोडाउन, गोडाउन 1 शो हो रहा था और यहाँ पे अब गोडाउन 2 ही शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी स्टॉक ट्रांसफ़र किया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही अभी सेल इनवॉइस आप जनरेट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दो गोडाउन अकाउंट आपको शो हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलर का अकाउंट जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, डेट डाल दीजिए और इनवॉइस नंबर डाल दीजिए और आप प्रोडक्ट जो भी आप डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे गोडाउन 1 में जो कि 400 क्वांटिटी शो हो रही है और गोडाउन 2 में 100 क्वांटिटी शो हो रही है, तो अब जिस भी गोडाउन से आप सेल करना चाहते हैं उस गोडाउन का नाम सिलेक्ट कर लीजिए और उसके आपको क्वांटिटी हिसाब से डाल दीजिए और उसका रेट डाल दीजिए और एंट्री को सेव कर दीजिए। फिर से आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट में, बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे लोकेशन वाइज में चले जाइए, तो यहाँ पे गोडाउन 1 में जो भी आपको क्वांटिटी थी जिस हिसाब से आपने सेल किया है उस हिसाब से आपको क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जैसे गोडाउन 1 में एंटर करेंगे तो आपको शो होगा कि आपने परचेस कितनी क्वांटिटी की है और यहाँ पे सेल कितनी की है। तो यहाँ पे मैंने 200 क्वांटिटी सेल की है
और स्टॉक ट्रांसफर किया है 100 क्वांटिटी, तो वो सारा यहाँ पे हिसाब दिखाया गया। तो इस तरह से आप स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं और लोकेशन वाइज स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। अगर आप ऐसे ही मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।